तुम यहां बैठी हुई बेटा, मैं पूरा घर तलाश कर लिया तुम्हारे लिए। कैसे हो, कुछ सोचा आगे क्या करोगी तुम? इद्दत में क्या कर सकते हैं बेटा? मैं सोच रही थी इद्दत तुम्हारी खत्म हो जाए ना तो तुम चैनल में तुम्हारा जॉब कर लो, बिजी रहोगी ना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। क्या सोच रही हो? बस यही कि जिंदगी कितनी नाजुक है, बस एक लम्हा और सब कुछ खत्म। यही तो जिंदगी है, ऐसे ही लम्हों की वजह से सब कुछ तब्दील हो जाता है। लेकिन जब लम्हे बार बार खुद को दोहराए तो अजीब नहीं लगता? क्या मतलब? सरफराज पापा का भी एक्सीडेंट हुआ था ना? हाँ, बुक पढ़ो, अपने आप को परेशान मत करो। हाँ सरफराज, तुम्हारी बीवी उसी का नाम है खान के साथ, तुम्हारी बीवी। हाँ सरवत खान के साथ, तुम्हारी बीवी सरवत खान के साथ। मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं हो गई थी? कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे? कितनी मासूमियत है ना तुम्हारे चेहरे पर, अब अंदाजा हुआ आपको? आंखें अब खुली हैं। मालूम नहीं हो सका कि शमसी के पास क्या भेजा जमील ने। वो आज ऑफिस भी नहीं आया, लगता है डर गया है रात के वाक्य से। डर अच्छा होता है, इंसान को मुहतात कर देता है। सॉरी खान साहब, हाथ से निकल गया। हाँ, इतना अहम नहीं है वो जिसके लिए तुम सॉरी कह रहे हो। लेकिन ये मालूम करना जरूरी है कि उसने क्या भेजा उसके पास, और अगर तो वही चीज है जो हमें चाहिए तो फिर उसको हासिल करना जरूरी है। ठीक, नो वरी। अच्छा वो ब्रिज वाले मामले का क्या करना है? अगले हफ्ते अदालत में उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करनी है। लालच, धमकी, सब कुछ करके देख लिया खान जी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। और अगर जरा सख्ती करते हैं तो मीडिया के इन्वॉल्व होने का खदशा है। केस बहुत सीरियस हो रहा है खान जी, बहुत ईमानदार है,
कहता है कि जान दे दूंगा लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ऐसे लोग बाकी है इसमें? गले की हड्डी बन जाते हैं। ईमानदार को बेईमान करने में कितना कितना वक्त लगता है। अगर बद नहीं है तो बदनाम कर दो उसे। ठीक है खान, ईमानदार आदमी अगर डरता है तो सिर्फ अपनी इज्जत से। वो तो है खान। तुम्हारी बीवी उसी का नाम है खानदान के साथ। हेलो हाँ खालदा, सरवत को गांव भेज रहा हूँ, एक जरूरी मीटिंग है। नहीं नहीं, बस दिन भर के लिए रखना है, शाम में वापस भेज देना। हेलो। हाँ नीलम, मैं सुहेल बात कर रहा हूँ। बहुत अफसोस हुआ हारून की डेथ का। तुम ठीक हो? तुम कैसे हो? मैं तो वैसे ही हूँ जैसा तुम छोड़ के गए थे। आजकल तुम क्या कर रहे हो? करना क्या है, वही कर रहा हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। मगर तुम तो सियासत में जाना चाहते थे। हाँ, सियासत में जाने का शौक तो बहुत था, बस वो भी चल रही है पार्ट टाइम। तुम आजकल क्या कर रही हो? वही जो बीवियाँ अपने शौहर के मरने के बाद करती हैं। इद्दत में हूँ। सो सॉरी, मेरा ख्याल है मुझे तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था। पता नहीं, अनवर और सानिया से मिलते हो? कभी कभार मुलाकात हो जाती है उन लोगों से। सुहेल। हाँ बोलो। कुछ नहीं। ठीक है नीलम, अपना ख्याल रखना, फिर दोबारा बात हो। सुहेल, keep in touch. I will. Take care. Bye. Bye. क्या हो रहा है? कहाँ थी तुम सुबह से? मैं तो यहीं थी, लेकिन अगर तुम्हें अपने कामों से फुर्सत मिले तो तुम्हें पता चले ना कि मैं कहाँ थी। लीजिए, हो गई फुर्सत। तो बस अब चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ मैं बोलूँ वहाँ। नहीं नहीं यार, ये काम कर लूँ तो फिर चलते हैं। यार हर वक्त काम काम काम, चलो ना। नहीं नहीं, ये असाइनमेंट मैंने आज ही ख़त्म करनी है।
मैं तुम्हें इस असाइनमेंट में बाद में हेल्प करूंगी पक्का। लेट्स गो। एक घंटा दे दो यार प्लीज। ओके फाइन। मत नाराज हुआ करो मुझसे। ऐसे बहुत प्यारी लगती है जब नाराज हो जाती है। अच्छा अगर इतनी प्यारी लगती हूँ तो फिर मैं तुमसे हमेशा के लिए नाराज हो जाती हूँ। मैं तुम्हें नाराज होने दूंगा तो फिर ना? मैं तुम्हें नाराज ही नहीं होने दूंगा। चलें, कहाँ चलना? और तुम्हारी असाइनमेंट तुमसे अच्छी है क्या? चलें। मुझे अभी करीम ने बताया कि आप यहाँ हैं। क्या बात है, तबीयत ठीक है? ठीक हूँ मैं। क्या बात है, कल रात से मैं देख रही हूँ आप बहुत परेशान हैं। मुझे नहीं बताएंगे? एक दौराहे पर खड़ा हूँ, फैसला नहीं कर पा रहा। कोई ज़रूरत नहीं है इन सियासी मामलात को अपने सर पर सवार करने की। उठें यहाँ से। नाश्ता भी नहीं किया होगा आपने। चले आपका फेवरेट नाश्ता बनवाती हूँ। हाँ उठें यहाँ से। तुम जाओ मैं आता हूँ। बहुत मजे की बनी है रोटी। नीलम ट्राई करो, थोड़ी सी मजा आएगा। इसे बस लज़ानिया पसंद है या ये फ्राइड चिकन? आजकल के बच्चे बस या बर्गर खाएंगे या पिज्जा या फिर वो क्या होती हैं सवैयां, सवैयां सी स्पेगेटी। वो प्लास्टिक फूड। प्लास्टिक फूड कभी कभार इस खाने को खाने में भी बहुत मजा आता है। मुझे याद है हमारे अब्बा, अब्बा कहा करते थे, क्या कहा करते थे आपा वो, कि पेट भर जाए लेकिन नियत ना भरे, है ना? बहुत शौकीन थे हमारे अब्बा जी खाने के भी और खिलाने के भी। उनसे ही तो सारी आदतें आई हैं इनमें। मगर बाबा तो दादाजी से भी आगे बढ़ गए, ये तो पकाते भी खुद है। भाई ये बेसन की रोटी का मजा आया, ये जो मिर्चों वाली लाल चटनी है ना, इसके साथ जितना है उतना किसी और चीज के साथ नहीं है। इसे बहुत पसंद है लाल रंग बचपन से ही, चाहे वो खून का हो या चटनी का। है 1.5 साल का था, अब्बा जी ने एक बकरा सिक्के में दिया, गोश्त तो सारा बांट दिया गरीबों को, और जो खून था ना वो बड़े से तसले में भर के रख लिया, वो खेतों में डालते हैं, उससे फसल बड़ी अच्छी होती है। थोड़ी देर में हमें अम्मी के चीखने की आवाज़ आई, मैं और अब्बा जी भागे भागे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं, खून में लथपथ उस तसले के अंदर चपाक चपाक खेल रहा था। मुझे थोड़ी पता था कि वो खून है। पता तो तुम्हें अभी भी नहीं है। ऐसी बातें क्यों करती हैं आप? अरे वो अपना खून पहचानते हैं, आपका और आपके बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, फिर आप ये सब क्यों कहती हैं? अरे आपा बड़ी बहन है, कुछ भी कह सकते हैं। कभी कभार राहत आप ऐसी बातें कर जाती हैं कि शायद आपको एहसास ना हो, लेकिन मुझे बहुत बुरी लगती है। एहसास होना चाहिए, ये बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियां समझता है। और इसके बावजूद आप कह रही हैं कि वो अपना खून नहीं पहचानता। कुछ बातें होती हैं बहन भाई के दरमियान जो वही समझ सकते हैं। हकदार ये तो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है। चलो मेरी नमाज का वक्त हो गया, खाना बहुत मजे का था, मैंने तो खूब खाया। देखा आपने कितनी जल्दी पलट गई, ऐसी बातें क्यों करती हैं? मेरा मतलब है आप कितना ख्याल रखते हैं उनका,
उनके बच्चों का, उनकी औलाद को अपनी औलाद की तरह पालते हैं आप, फिर आप कुछ कहते क्यों नहीं उनसे? क्या कहूं? बड़ी बहन है। बड़ी है तो क्या हुआ, इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो दिल में आए कह जाए और ये भी ना देखे कि कौन बैठा हुआ है साथ। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। फोन क्यों साइलेंट कर दिया? इसलिए कि आज मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं भी खामोश हो जाऊं? तुम्हें ही तो सुनना है मुझे। बड़ा शायराना मूड है आज। कभी दिल टूटा है तुम्हारा? तोड़ने का इरादा है क्या? मिसेस इरफान। हेलो। हाँ नहीं नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी। जी जी, मुझसे पहले अगर आप आ जाएं तो। ओके, मुझे 2 घंटे के लिए जाना होगा। ठीक है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप घर पे और मुझे जाना है। ये तजर्बा भी करके देख लेते हैं। रोजाना तुम मेरा इंतजार करती हो, आज मैं कर लेता हूं। आई लव यू। आती हूं। मम्मी वो क्यों परेशान हो? आपने बात की? कौन सी बात? नीलम की, खान मामू से। अरे भाई कर लूंगी। कब करेंगी, अब तो वो बेवा भी हो गई है। तुम्हारा क्या करूं मैं अर्शद, कब बड़े हो गए तुम? बड़ा हो गया हूँ। कोई बड़े नहीं हुए, कद निकाल लिए, दिमाग उतना ही है बच्चे जैसा। मम्मी बस आप बात करें खान मामू से। क्या करूं मैं तुम्हारा? पिछली बार भी जब हारून का रिश्ता आया था तो आपने उसकी हिमायत ली थी, अब मौका आ गया तो फिर? मौका नहीं, अंजाम है ये जिसका मैं इंतजार कर रही थी। तुम्हें याद है हारून का रिश्ता आया था तो मैंने तुम्हें भेजा था उसके पीछे कि उसको देखो कहाँ से आता है कहाँ जाता है, उस पर नजर रखो। जी याद है, और मैंने आपको सब बता दिया था कि वो शराबी जुआरी खराब कैरेक्टर का मालिक, फिर भी आपने उसकी हिमायत ली थी। हिमायत नहीं की थी, मैं जानती थी इस शादी का यही अंजाम होगा। क्या आप जानती थी? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबको पता चले जब दिल दुखता है तो कैसा महसूस होता है। किसका दिल दुखा? मेरा, मेरा दुखा है। आपका दिल किसने दुखाया? बता दूंगी, अभी वक्त नहीं आया। मैं आप छुपा रही हैं, मुझे बताएं आपका दिल किसने दुखाया। कहा ना बता दूंगी, पहले तुम तैयार तो हो जाओ। अम्मी मैं तैयार हूं। नहीं हो तुम तैयार। सुहेल याद है? सुहेल नीलम का क्लास फेलो। हाँ याद है, घर भी आया करता था। तो मैं चाहती हूँ कि अब तुम उस पर नजर रखो। उसका भी रिश्ता आया क्या? आया तो नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि आए भी ना, इसीलिए कह रही हूं उस पर भी नजर रखो।
मैं चाय पी रहा हूं। तुम हर वक्त चाय क्यों पीते रहते हो? मुझे पसंद है इसलिए। अच्छा बताओ आजकल क्या पेंट कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पेंट करूं। अपने इर्द गिर्द देखो, कोई ना कोई इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। लो आशिक शुरू हो गया। मुझसे कब मिली हो? क्या करोगी मिलकर, मैं इतना खुश शक्ल नहीं हूं। इसीलिए अपनी कोई तस्वीर पोस्ट नहीं करते। हाँ यही समझ लो। मतलब बात कुछ और है मगर समझ ही लो। सर चलो ओके, हम फिर बात करते हैं। ओके बैलेंस हो तो कॉल कर देना, मैं करती हूं तो तुम्हारी अना को ठेस पहुंचती है। क्यों? अगर मोहब्बत थी तो आवाज कहां से आ गई? कौन यार नायला, यहाँ भी क्यों खड़ी हो? चलें। कुमार अभी यहाँ से जाओ, मैं बहुत गुस्सा में हूँ, मुझसे बात नहीं करो सर। तू गलत बात पे गुस्सा हो ना? गलत बात पे आ रहे हाँ? वो तुमसे क्यों इतनी फ्री हो रही थी और तुम उसे इतना स्पेस क्यों दे रहे थे? मैं उससे सिर्फ इसीलिए बात कर रहा था क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है। मेरे तो सब दोस्त है वहाँ पे, तुम एक ही को अलग थलग कोने में ले जाके उससे बातें कर रहे हो। तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे ना? नहीं, वो अपना प्रोजेक्ट डिस्कस कर रही थी और कोई बातें नहीं कर रहा था मैं उससे। तो वो तुम ही से प्रोजेक्ट की बात क्यों कर रही थी? ये तुम उसी से जाके पूछ लो ना कि वो मुझसे क्यों डिस्कस कर रही थी। और तुम ही ने मुझे फोर्स किया था वहां जाने के लिए, तुम्हारी वजह से मैं वहां गया था, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आइंदा मैं तुम्हें कहीं जाने के लिए नहीं कहूंगी। फाइन फाइन। Thank you.
सॉरी 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 तुम प्रॉमिस करो आइंदा तुम कभी ऐसे नहीं करोगे। आई प्रॉमिस मैं तो इसी तरह करूंगा। सॉरी मैम चलें। थैंक यू। वैसे तुम बहुत बड़ी ड्रामे हो। देखो ना जॉन जिस तरह मिशेल चाहती है उसकी पसंद के मुताबिक जल्दी से इसका मोहब्बत करने वाले तन्हा क्यों रह जाते हैं? इसलिए कि कुछ मोहब्बतें ला हासिल होती हैं। तुमने कभी मोहब्बत की है? आपसे की है ना? कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? आपको अंदाजा नहीं हुआ? अंदाजा लगाया जा सकता है क्या? पता नहीं। एतमाद भी तो मोहब्बत का दूसरा नाम है। बिल्कुल एतमाद ही तो मोहब्बत का असल नाम है। तो पहले एतमाद खत्म होता है या मोहब्बत? क्या जवाब होना चाहिए इसका? जमील क्या कहना चाह रहे हो? जो कहना चाह रहे हो कहें। क्या कहूं? मैं देख रही हूं कुछ दिनों से आपका रवैया बदला हुआ है मुझसे। दुनिया बदल सकती है। नहीं। तो फिर मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ है जो मेरे और आपके दरमियान है? अभी तो नहीं है लेकिन आ जाएगा। कौन? एक खास मेहमान। कौन से मेहमान? नेक्स्ट वीकेंड पर आएंगे, जरा खास एहतमाम कर लेना। कितने लोग हैं? मिस्टर एंड मिसेस। कौन है? है मेरे कुछ खास दोस्त, तुम नहीं जानती। आप कैसे कौन से दोस्त जिन्हें मैं नहीं जानती? नेक्स्ट वीकेंड पर मुलाकात हो जाएगी ना स्वीट हार्ट, जान जाओगी तुम भी। कोई सरप्राइज दे रहे मुझे क्या? हाँ कभी कभी वो लोग भी आपको बहुत हैरान कर देते हैं जिन्हें आप बरसों से जानते हैं। प्लीज मुझे घर जाना है अभी। चुप चुप। फैसलाबाद से आए हो ना? हाँ सिटी कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, अब एक टेक्सटाइल मिल में एंगरविंग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो। एक भाई है खालिद बावला और दो बहनें अनीला अनम भी हैं। हम मीजान स्कूल में टीचर हैं ना, और तुम पेंटर बनने आए हो ना शहर में। हाँ भैया अब घर जाओगे हैं? क्या चाहते हो तुम लोग?
किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा? तुम लोगों को मालूम नहीं क्या? तुम भी कुछ बता दो बेटा, हम तुम्हारे साथ तुम्हारी भलाई के लिए हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो इस नंबर पर कॉल करना, समझे? और हाँ, अच्छे घराने की लड़की है बीना, समझे? ख्याल रखो अपना और बीना का भी। चलते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे अपनी बीवी का? तुम क्या चाहती हो? क्या बात करूंगा उससे मैं? क्या और मेरी चाहत क्या? नीलम कैसे? उदास है। बहुत अफसोस हुआ हारून की डेथ का सुन के। बेचारी नीलम तो जवानी में बेवा हो गई। आपने मुझे अपने घर आने से मना क्यों किया? फुर्सा देने आ रही थी नीलम को। क्या जरूरत पड़ी है? क्यों, आप मुझे इस काबिल नहीं समझते? जब मैं आ जाता हूं तो ये काफी नहीं? काफी है। मेरा आपके घर वालों से वैसे भी क्या लेना देना? मेरा ताल्लुक तो सिर्फ आपसे है और ये ताल्लुक कायम रहे हमेशा। पता है मैं कभी कभी ख्वाब देखने लगती हूँ, मेरे और आपके। ख्वाब से लाभ होते हैं, जानती हूँ, मगर दिल रखती हूँ। अभी भी दिल रखती हूँ? एक बात पूछूं? पूछो। आपने कभी दिल लगाया है किसी से? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, पत्थर है। क्या हुआ? Are you right? कुछ नहीं।
कैसे याद फरमाया। अच्छा कब? अरे आप बुलाएं और हम ना आए कैसे मुमकिन है। जी जी क्यों नहीं, खुदा हाफिज। आपको पता है ना कि मुझे शो वाले खानों पे जाने से नफरत है, बहुत बोरिंग लगते हैं मुझे। अरे क्यों परेशान हो रही हो, मेरे होते हुए तुम बोर नहीं होगी आई एम श्योर। वैसे डिनर दे कौन रहा है? एक दोस्त है, खास दोस्त। किस खुशी में दे रहा है ये खाना? उसे अकल अब आई है, इसी खुशी में कर। और कौन कौन होगा वहां पे? कोई नहीं, बस आप, हम दोनों होंगे और आप, मिस्टर एंड मिसेस जमील। अच्छा तो फैमिली डिनर है। चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये मेरी बेगम है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका घर बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ये खान साहब और इनकी वाइफ। अस्सलाम वालेकुम।